हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और ऊपर वाला आप सबको अच्छा बनाए रखे। तो दोस्तों आइए आज शुरू करते हैं भानगढ़ किले की भूतिया कहानी। दोस्तों यह कहानी बहुत ही डरावनी है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। धन्यवाद। दोस्तों भानगढ़ किले को भारत में सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। ये सबसे बड़ा अनसुलझे रहस्य है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अलैलिक से जुड़ी कोई भी कहानी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और भारत का किला उसी विचार को दर्शाता है। भानगढ़ किले में कई भूतिया कहानियों ने इस मोस्ट हंटेड प्लेस में से एक बना दिया गया है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और भानगढ़ के रहस्य को बढ़ाने में मदद करने वाली कहानियाँ की कोई कमी नहीं है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरों के कार्य से कम नहीं, क्योंकि इससे अपसामान्य गतिविधि के केंद्र माना जाता है। रात में भानगढ़ किले में जाने पर रोक लगा दी गई है। भानगढ़ की कई कहानियों में से जो स्थानीय लोगों को मानना है कि सबसे लोकप्रिय सम्राट माधव सिंह की है, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था, जो एक तपस्वी थे। वे वहां ध्यान किया करते थे। संत ने इस शर्त पर अपनी स्वीकृति दी कि बादशाह के महल की छाया उसके पीछे हटने पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हो तो शहर खंडरों में तबलीद हो जाएगा। एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद गुरु बालू का पीछे हटना दुर्भाग्य से महल में दोबारा छाया हुआ था। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे कभी भी दोबारा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना जीवित नहीं सकी। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि गुरु बालूनाथ की समाधि अभी भी खंडरों के बीच पाई जा सकती है। भानगढ़ किले की एक और कहानी राजकुमारी रत्नावती से संबंधित है। किविदातियों के अनुसार उनकी सुंदरता तुलनीय थी और उनके शारीरिक आकर्षण को पार करने की कहानियां यहां तक कि राजा और सीमाओं को भी पार कर गई। जब वह 18 साल की हुई तो कई राज्य के लोगों ने शादी के लिए उसका हाथ मांगा। इन सभी आत्महत्या करने वालों में सिंघिया नाम का एक जादूगर था, जो इस तथ्य से अवगत था कि राजकुमारी के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उसने अपने पास मौजूद जादू शक्तियों से उसे लुभाने का फैसला किया। वह भाग्यशाली था कि उसने बाजार में एक राजकुमारी रत्नावती की मालकिन को देखा और काले जादू से खरीदे गए तेल पर जादू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि तेल को छूने पर राजकुमारी खुद को उनके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। हालांकि उनका प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि रत्नावती के उनकी चाल देखी और जमीन पर तेल डाला, जो फिर एक चट्टान में बदल गया, जादूगर की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ शहर को मौत का श्राप दिया और इसके परिणाम से पूर्ण इसके कभी भी कोई पुनर्जन्म नहीं देखा। इसके अलावा अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उसके अभिशाप को और अधिक बढ़ाया दिया। हालांकि उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कई स्थानीय लोगों का मानना है कि वह एक अलग रूप में लौटी है और अंत भानगढ़ पर दुर्भाग्यपूर्ण जादू को समाप्त करने के लिए वापस आएगी। जबकि भानगढ़ किले की कहानी को विज्ञानियों ने खारिज कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों को यह विश्वास करने से कोई नहीं रोकता कि यह भूतिया जगह है। लोगों ने कथित
तौर पर अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने किले से महिलाओं के चिल्लाने और रोने, चूड़ियों के टूटने और अजीबोगरीब संगीत की आवाज़ें सुनी है। ऐसा कई उदाहरण है जहां भानगढ़ किले से भूतिया छाया और रोशनी के साथ एक विशेष इत्र निकल रहा था। कुछ लोगों ने एक अदृश्य सत्ता द्वारा पीछा किए जाने और यहां तक कि थप्पड़ मारे जाने की अजीब अनुभूति महसूस की है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है तो वह कभी भी इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए शाम के बाद दरवाजे हमेशा बंद किए जाते हैं और रात में भानगढ़ किले में प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भानगढ़ का किला भूतिया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।